तो ले कचे ते बीरा रे गोड़े ले जा ते लड़को जीवित ला दे तीन बार पाई मरडो ला दे तीन बार पाई सेठ मने विचार को रा कोई कोई जीवता हुआ दरे घणी बड़ी हाथ को उतर दे और बोले हरिराम जी क्यों भी सेठ की मानले में गांव नहीं चालू क्यों मेरी मर्यादा टूटे जिया सेठ जी सूता पेट के मत कर कोई ऊंदरो निकल गयो सेठ रोण लाग्यो छोरा बोले एक पिताजी 50 ग्राम वो ऊंदरो गए के रो सेठ बोले ऊंदराली की बात को नहीं मार के पड़े नहीं आज ऊंदरो को स्वाद ऊंट ले जा सके जी हाँ राम जी की भाई मर्यादा टूटे में चालू थी सेठ में बबूती ले बीर हुए और बुने वो लड़को खत्म उड़े बीटे में लड़के की माँ झोलने सामने देखे और बिलाप करे और के वे के बाद बने देखो Thank you.
ते माया कमाई परदेश ए सुना सुना मेल चनया ते तो एक दो दिन में विश्राम कोन करियो ई तो कहंदे सगे लड़के की मां रोण लागी है मां ने रोंती देख लड़को आपकी मां ने की समझावे और ठीक है देखो जैसी थारी करनी माता वैसा फल पाजियो करनी का फल तो भोगना ही पड़े ये तो कहते सगे लड़को खत्म में बीते में लड़के की स्त्री सावित्री या
कौन मेरो धनी कही दे प्राणपति, कौन धनी की धनमाया कमाई को धनी है। बीटे में रामेश्वर आपकी स्त्री ने की समझावे और देखो की बात बड़े है। माँ बाप की सेवा है भाई, तू करी तो बढ़िया नहीं करी तो के इलाज ये तो कहते सागी भी लड़के का प्राण खत्म हो जाए। और उन्हें वो सेठ बिचारो भाजो ग्राम में आवे देखे लड़को जीवित है, लो प्राण खत्म हो गए, लड़के की माँ विलाप करे और के वे देखो ये जान जे। अरे तुम बोले बेटा, अरे बोले जा Thank you.
Thank you.
पाछा आवसी। सेठ बोले तू क्यों जिद करे, पहले तो कहेंगे गोगे जी क्यों जोड़े भेजो लड़को खत्म हो गयो, तू तो उल्टी चाले जिया कोई गरड़े गरड़े को केड़ो का मानती नहीं। वो क्यों तो आज खेत जाना के नहीं हूं तो घरे रहूंगी, वो कह तो सब्जी बनानी के लिए हूं तो राबड़ी बनाऊंगी उन्दी चाल की, वो गरड़ो सारी तड़ाव पानी ना तो आज ही कनू मंगा लिया। आज बोले तो तड़ाव ना जाई बोलो क्यों हूं तो जाऊंगे, क्यों जे जावे जाती पार्टी ने हक ना ले जी के हूं तो ले जूंगे, क्यों बोलो जे पार्टी ने ले जी पार्टी जब तक तड़ाई के मां बड़े लो तू फूस पकड़ लार ना बढ़ जी इनके हूं तो बड़ी कोई मन पाल दे या पाले तो बड़े को पाल मन पाल दे अंकेड़ो ये कमाने में, क्यों जे मैं ही बढ़ गया तो आज भी दे जी छोड़ी तो ना ना क्यों तो छोड़ी बड़े को न्याय ली जान छोड़ दिए तो घड़ो लेर भी रुकी लारू परियो हेलो मारे बड़ी ना है बड़ी ना ने कहा बड़ू कोई पालो मन पाले तो आदि टेके जे लारो हेलो मारियो अब छोड़ी ना ना आदि टेके ओ छोड़ो क्यों लारो छोड़ो ना लिया जी हां सेठ क्यों तू जिद करे मैं के दियो ही राखू जिंदा थोड़ा ही क्यों नहीं दादे की दियोड़ी सेठ आली कोनी जावे सुरगं गेड़ा पछा आउस सेठ बोले जन बुलाई ले मोड़ो ना करना बदिन छिपे तो सावित्री देखो किया हरिराम जी महाराज बताई कि पहली भगवती शिव जी को नाम ले दूसरी में हनुमान जी ने और तीसरी में झोलड़ा धाम तो किया याद करे और किया देखो बाबू में शरीर में प्रवेश करे उसकी में
तेरी प्रसादी ते सुरगा गेड़ा पाछा आवस। पहली विभूति शिव जी को नाम ले पावे, दूसरी में हनुमान जी ने बनावे, तीसरी विभूति में हरिराम जी को नाम लेवे। घंटा को थोड़ा थोड़ा शरीर गर्म होना शुरू हो जाए, बात के भूत ने बने लोग चेतो हुए बीटे में सावित्री के थाना तिगेरी नींद के ही प्राण बदी के बात हुई, क्यों सपने की सी बात है, क्यों योग थाने पान लागे हो बजे गोगे जी गया बड़ कोई सहायता काने में बजे हरिराम जी गया अगले के कान ऊंचा कर गयो कुनो सुसरो जी बंगरी वे कितने बोले बोले 13,000। तो वो लड़को आपके पिताजी ने के पिताजी 13,000 रुपया बहुत थोड़ा अदाला काया 3,000 तो माया बेकार ही के चारू चालिया और तेरे तेरे हजार रुपया चाड़िया तेरे चौको 52,000। लड़को चित्रू क्यार हो जाए झोलने भी रुपए तो देखो वो लड़को के परण करे और के आपके पिताजी ने कह और के बात बने। कंठ जोड़ा रे जात वो लगा सा पिताजी मारा वो। अरे आप भोजन कराप भोजन कर
करण जोड़े की जाल लगा से पिताजी मारा भोजन कराला जाके जोरडे चारों झोलने बड़े हरिराम जी का भाईडा बेटिया कुएं माथे बोलिया शेर तो सगन आवे तेरे हजार रुपये बोल रुपयो माने कहे भाई 52,000 है हरिराम जी लेना मुश्किल है तो आपने चला अपने जिमादी तो भी बढ़िया है भाईडा सागे जावे शेर 52,000 रुपये धुने माथे मिले हरिराम जी क्यों भी सेठ तेरा पैसा उनसा ले गया क्यों महाराज के मैं एक पैसा ही नहीं लू वैडा बोले महाराज मानपुरम बोल दे जो ने शिरो आता है ने कर शादी में थाने पुनो जी क्यों भाई दांत ने सही क्यों मारे भाड़े उन चिचकारी नहरी हुए लोग थन चढ़ चढ़ दे उन्हें पूरी पूरी दे दूं सेठ वैडा बोले सेठा हरिराम जी ने पूछे हरिराम जी क्यों भाई ये तो लालच करे और मैं बताऊं भी इधर पीछे लगा दे क्यों ये तो लालच करे लालच ठीक नहीं है तो आज ये 1,000 रुपये को इस वर्ष में मुंडे मुंह के दी 5,000 रुपये के दी जी डोकरी घर में जचे जी बोल जानती है घर में ब्याह हो कोई बीन बना सौरा बोला माँ तो बीन ही नहीं देखियो माँ तो मुंडे मुंह जचे जी बोली बीन बने एक दूध को बटकी ऊपर मां बिठान डोकरी निकलियो मां जी वो दूध पी लियो और अब दो दिन चावल बोलिया बीन बने बारे क्यों भाई मरो रंडा बीन हूं क्या मैं बोलू बोले ही ना हूं तो यही ठीक जी हाँ क्यों भाई आज ये 1,000 रुपये के कल 5,000 रुपये के दे तो मैं बताऊं भी नहीं पीछे लगा तो राम जी बतावे सेठ सुने की बात बन जाए देखो Yeah.